सो गाइस, हमारी एक वीडियो थी जिसमें मुंबई जा रहे थे और हमें बीच रास्ते में एक शॉकिंग खबर मिल चुकी थी जो कि बहुत बुरी खबर थी। तो काफ़ी लोगों का कमेंट आते गाइस, आपके संग मुंबई जाते समय क्या हुआ, आपने मुंबई क्यों नहीं गई, आधे रास्ते वापस आ गए, बहुत लोगों का कमेंट आते। तो गाइस आज हम लोग आप लोगों को बता देते हैं, वो समय हमें न्यूज़ कंफर्म भी नहीं थी, तो अब वो न्यूज़ हमारी कंफर्म हो चुकी है। तो गाइस हमारी एक सब्सक्राइबर थी, दोस्त थी, मतलब काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी गाइस हमारी, वो सांभवी नाम था उनका, सांभवी कपूर, जो कि मुंबई से बिलोंग करती हैं। तो उन्हीं के पास हम उनसे मिलने जा रहे थे, तो पर अचानक से गाइस ऐसा हुआ कि उनका 15 तारीख को जो था एक ऑपरेशन था माइंड का, तो उनके थोड़ा सा ब्रेन में प्रॉब्लम थी, तो उनका एक ऑपरेशन था हॉस्पिटल में, तो उस दौरान उनकी डेथ हो गई। तो हमें 16 को 6:45 से हमारी ट्रेन थी और रात के करीबन 1 बजे हमें, मतलब 17 को हमें वो खबर मिली कि उनकी सी इज़ नो मोर। तो उनकी बेस्ट फ्रेंड ने हमें बताया, तो हम बिल्कुल शॉक हो गए थे गाइस। तो सब हम और मुंबई ही जा रहे थे, हम उनसे मिलने ही, तो हमें एक खबर मिली कि वो अब नहीं रही इस दुनिया में, और उनका आज जो है, मतलब एक दिन पहले 16 को अंतिम संस्कार हो चुका है। तो इस वजह से फिर हमने काफ़ी सोचा, फिर 17 को हमने बोरीवली के आसपास हमने स्टेशन पे उतर गए हम, क्योंकि गाइस अगर हम उनके घर जाते तो हमें एड्रेस पता नहीं था, तो इसलिए हम उनके घर भी नहीं जा पाए। और वो हमें पिक करने आने वाली थी स्टेशन पे, तो उनने बोला था, मैं लास्ट बार हमारी यही थी, उन्होंने कहा था हमारे अपना टिकट भेज दीजिए आप मुझे, तो मैं आपको वहाँ पर लेने आ जाऊँगी, और ना ही हमें उनका घर का एड्रेस था, वरना हम उनके वहाँ घर में जाते, तो ये भी नहीं था। तो हम ट्रेन से उतरे, फिर हमने डायरेक्ट दिल्ली की ट्रेन पकड़ी, और फिर वहाँ दिल्ली से हम सीधा बस में सीधा यहाँ आ गए। तो फिर हमारी जो मुंबई की सीरीज थी वो भी नहीं दिखा पाए। तो गाइस यही था हमारी जो अब शॉकिंग न्यूज़ थी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा भयानक, विश्वास भी गाइस अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो चुका है। और वो हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी सब्सक्राइबर थी, मतलब हमारे सारे व्लॉग्स सारी वीडियोस हमारी वो प्रॉपर रोज डेली देखती, रोज उनका हमारे उसमें कमेंट आते हैं, सांभवी कपूर कपूर करके आप देख सकते हैं। तो गाइस अब क्या कहें, अब तो गाइस मैं आपको उनकी फोटोज दिखा देता हूँ, तो अब जो फोटोज आएंगी वो उन्हीं की, सांभवी जी की आएंगी, तो मैं उनकी कुछ फोटोज आपको दिखा देता हूँ, तो कैसी थी कैसी दिखती थी तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब देखिए गाइस, अच्छी लड़की थी, बहुत आंटी आंटी करके भी बहुत बोलती थी, बहुत वो करती थी, बहुत दुख हो रहा है, भगवान इतनी कच्ची उम्र में किसी को न बुला वो करे, खेलने कूदने के दिन थे भी, ऐसा बहुत दुख हो रहा है, जब से मतलब सुना है तब से दिमाग काम नहीं कर रहा है। बहुत ही अच्छी लड़की थी, मेरे से भी वो बोलती रहती थी, आंटी क्या कर रहे हो, बम्बई कब आओगे कब आओगे। मैंने कहा बेटा इस समय तो बच्चे आ रहे हैं, फिर आऊंगी कभी, बम्बई देखने का हो रहा है कभी आएंगे करके, क्या करते, किस्मत इतनी खराब हमारी भी ठहरी, नहीं मिल पाए बच्चे भी नहीं मिल पाए, इतने खुश हो रखे थे मिलने के लिए, बहुत खुश हो रखे थे, इतनी खुशी से यहाँ से जा रहे थे, बहुत खुश हो के जा रहे थे, क्या किस्मत ने आधे रास्ते में इसे लौटा दिया, क्या करते, आगे बोल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत ही उसकी की याद आ रही है, बहुत अच्छी, हमारे जितने भी वीडियो थे जितने भी वो थे सब देखते थे, लाइफ बहुत अच्छी थी, भगवान से याद शांति मिले इतनी कच्ची उम्र में। भगवान से गाइस यही प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और सबसे बहुत ज्यादा अच्छी लड़की थी वो, और विश्वास ही नहीं हो रहा है। और हिमांशु की तो बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड थी, हिमांशु तो काफी बात होती थी उनकी, तो हिमांशु तो खुद अभी सदमे में चल रहा है काफी टाइम से। हिमांशु तो अभी तक सदमे में ही है, उठा भी नहीं है, क्योंकि हिमांशु की बहुत क्लोज थी वो, बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड थी हिमांशु की, बहुत बेस्ट फ्रेंड थी हिमांशु की, रोज डेली बात होती थी उनसे काफी घंटे घंटे। हिमांशु की तो पहले दिन भी बात रोज बात होती थी, हिमांशु के द्वारा हमारी भी बात होती थी, बहुत अच्छी लड़की थी गाइस, अभी भी यकीन ही नहीं आ रहा, सोच रहे हैं कि हमारा ब्लॉग और देखेगी, यकीन ही नहीं आ रहा, ब्लॉग देख रहे हैं तो क्या पता क्या कहते हो संभावनी देखेगी करके। 3 सितंबर से उन्होंने ना हमारा कोई ब्लॉग देखा है, ना ही कोई इंस्टा में ऑनलाइन, ना ही व्हाट्सएप में ऑनलाइन आई है वो,
तो उनकी हमें एक बेस्ट फ्रेंड थी, उनने हमें बताया कि उनके संग ऐसा ऐसा हो चुका है, ऑपरेशन के दौरान उनकी डेथ हो चुकी है। तो क्या कर सकते हैं गाइस, अब एक सपना था हमारा उनसे मिलने का, मुंबई जाने का, तो वो भी इस सबके संग पूरा टूट चुका है, बिखर चुका है सपना भी हमारा। तो गाइस यही वो शॉकिंग न्यूज थी जो आप लोग कह रहे थे, कमेंट करके बताइए क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो गाइस यही था वो। But